Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey everyone. नहीं मजा नहीं आया. Bye bye. Bye bye. 1 2 3 go. Today. क्या बोलूँ मैं? What was your day dance? Very good. वेलकम बैक टू माय चैनल. आज है हमारी श्रुति दी का बर्थडे, तो ये रही हमारी मुस्कान. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. और हम आ चुके हैं आज सुबह सुबह लिंगराज मंदिर में, जो कि ये दीदी है, इनकी तबीयत एक्चुअली ठीक नहीं थी, बीमार हो जैसे उठ के बस इसको लेके आए मंदिर में, भगवान की ब्लेसिंग्स ले आए. और साथ में ये भी बीमार पड़ी है, मैं एक स्वस्थ हूँ. ये भी 2 दिन पहले बीमार थी, ये हम दोनों बीमार को लेके गई थी मेडिकल. अभी जाएंगे मंदिर, 12 बज गया है, इससे आते हैं मंदिर का दर्शन करते हैं, भगवान को इससे ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, ताकि इसको बुद्धि आ जाए और इन दोनों को थोड़ा करे, हिटलर पंक्ति कम करे, तबियत ज्यादा खराब होती है वो सब सही हो जाए. सो लेट्स गो. और अंदर फोन अलाउ नहीं है, तो मिलते आके. तब हम आ चुके हैं मंदिर से, मंदिर में दर्शन कर लिया हमने, बहुत अच्छे से हमने दर्शन किया. मेरा सिंदूर सिंदूर लग गया मुंह पे, बहुत अच्छे से दर्शन हो चुका है. एंड वी हैव अ स्मॉल गिफ्ट फॉर हर, जो कि हम बाद में दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे उसको. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू. अब जाएंगे, रेडी होएंगे, खाना खाएंगे, बेसिक्स है जो हम खाते हैं, और बाद में हम करने वाले हैं श्रुति का हैप्पी बर्थडे पार्टी. भाई तभी मैं आज बहुत अच्छी नहीं लग रही. नहीं मैं अच्छी लग रही हूँ गाइस, देखो बता तो प्यारी है. आज श्रुति के बर्थडे पे हम लोग नॉर्मल सा खाना खाएंगे, तो इतना स्पेशल लग नहीं रहा इसका बर्थडे. तो सोचा कि हॉस्टल का ही खाना खा लेते हैं. और ये बात श्रुति अपने बर्थडे पे काम किए जा रही बेचारी. हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे श्रुति. और गाइस अब हम रेडी हो चुके हैं, हम है ना श्रुति के लिए एक सरप्राइज सोच रखे हैं. यहीं पास में कहीं एक जगह हम जाने वाले हैं, जहाँ पे हम श्रुति के लिए कुछ करेंगे. बड़ा सा तो कुछ करेंगे नहीं, बट कुछ तो करने वाले हैं. हमारी जेना दीदी जो है वो भी रेडी हो चुकी है. हम तीनों की थीम जो है ब्लैक 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 है. हमसे ज्यादा जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, so stay tuned देखने के लिए कि हमने श्रुति का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया है. हम लोग को एक्चुअली धूप से पहले पहले जाना yes, है. yes, सनसेट चाहिए, सनसेट चाहिए. श्रुति का बर्थडे जैसा लग नहीं रहा है, मतलब बर्थडे वाली वाइब ही नहीं आ रही यार, पता नहीं क्यों. सबसे बड़ा औजार है हमारा ट्राइपॉड, जो कि हमको बहुत काम आने वाला है, तो इसको बैग में रखते हैं. फिर हमारी श्रुति दीदी ऑल ब्लैक, ऑल में गिर गई. और गाइस एक्चुअली मेरे से ना एक दिक्कत हो गया, मैंने गिफ्ट तो लेना ही भूल गया, तो मैं वापस आई हूँ रूम में, वो लोग को नीचे भेजी हूँ, जल्द से गिफ्ट लेंगे और जाएंगे अपने लोकेशन पे. ये रहा वो ब्रेसलेट. अभी हम रास्ते में पहुंचे, रास्ते में रुके हैं, उसको ऊपर फोटो में बिठाया है. एंड हम लोग ना यहाँ थोड़ा सा कपकेक लेंगे, बड़ा केक हम और कहीं पे काटेंगे, बट जो लोकेशन में जा रहे हैं वहाँ पे मेरे को काटना है, सो लेते हैं एक छोटा सा केक. और अभी हम आए हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग ना फ्लावर लेने वाले हैं, उसका एक छोटा सा प्यारा सा, आराम से आराम से उसके लिए प्यारा सा एक तो बुके बनाएंगे. तू सही बना, इतना छोटा सा उसको अच्छा पकड़ मत मार खाई. लेट्स गो. थैंक यू मौसी, हेलो बन्नी चंदी, अभी हम लोग ये लोकेशन जो है जहाँ पहुँचे वो है साईं मंदिर के जस्ट पास में. साईं मंदिर यहाँ का बहुत बड़ा मंदिर है, हमारे जहाँ रहते हैं उसी के आसपास ही है. सो वहाँ पे एक स्पॉट है जहाँ पे पानी का एरिया है एंड सैंड सैंड था. तो हमारा थीम ये था कि उसके बर्थडे पे वैसा टाइप का थोड़ा सनसेट हो एंड वैसा फोटो वीडियो आए. सो वी हैव बॉट आवर वन एंड ओनली, इसको हम इतना देर ऑटो में बिठा के रखे, इसको समझ नहीं आएगा हम इसके लिए कर क्या रहे हैं. पहला सरप्राइज दे रहे थे, कौन सा सरप्राइज रहा? 1 2 3 go. Happy birthday to you. श्रुति हमारी 22 साल की हो गई गाइस, 22. जल्दी से जाते हैं, सनसेट होने वाले, 4 बज चुके हैं. एंड आगे के भी बहुत प्लान है हमारे, हमें पाछी मिलने वाली है, हम कहीं और भी जाने वाले हैं. मेरे को इनके साथ वीडियो लेना था, ये भाग गए. मारो उसको, मैं इसको एक उठा लूं क्या, खाऊंगी मार के. वरना फिर क्या होगा तेरे को भी पता है. श्रुति का ये फरमाइश है कि एक
एक नेहा जो है वो उसको टियारा पहनाएगी और मैं उसको बुके दूंगी, तो हम ये फरमाइश उसको पूरा कर देंगे। तो मैं इसको पहनाने वाली हूँ टियारा और मैं दूंगी उसको बुके, एंड यहाँ पे साइड में नीचे में मैं रखने वाली हूँ ट्राइपॉड। ट्राइपॉड में हम रिकॉर्ड करेंगे, आई होप कि अच्छे वीडियोस आ जाए, फोटोज भी हम लोग क्लिक कर ले, बटन है मेरे पास, सो या लेट्स गो। वीडियोस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना सुंदर आएगा। बेचारे पीछे में सनसेट हो रहा है, इतना सुंदर आ रहा है ना, आप लोग इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, इतना मस्त है। यहाँ पे गाय बकरी ये सब कुछ चलता है, हम रहते हैं ना वहाँ पे भी एक ऐसी जगह है, सो वैसे टाइप की है, और हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे ही पिक्चर्स है। सो एक्साइटेड, लेट्स गो। हम लोग करने वाले उसका बर्थडे सेलिब्रेशन, फोटोज वगैरह सब कुछ खींच दिया, एंड शी इज हैप्पी आई गेस। आगे बर्थडे गर्ल अपना फोटो लेके हैप्पी। श्रुति 22 साल की होगी, एंड श्रुति अगर तू ये वीडियो 1 साल 2 साल 3 साल बाद देख रही है तो हमेशा याद रखना कि हम हमेशा एक साथ सेलिब्रेट करने वाले, इररिस्पेक्टिव ऑफ जहाँ पे भी हो हम, एंड हम लोग बहुत मेमोरीज क्रिएट करने वाले हैं साथ में। ये श्रुति को हम बोल रहे हैं फ्यूचर श्रुति के लिए, एंड इसकी तबीयत एक्चुअली बहुत दिन से खराब चल रही है, सो रात को हमने कुछ भी नहीं किया, एंड अभी हम लोग ये थोड़ा सा कर रहे हैं। सो गाइज वी हैव समथिंग फॉर श्रुति, सो या वी हैव समथिंग ऑफ चांदी एक्चुअली, सो दिस इज द बैग, एंड इसके अंदर में एक चीज है जिसको पसंद आए, एंड आई होप तुझे ये पसंद आए। नो ओपन इट ना, प्रेस लिट। यस वाओ ये कितना सुंदर है। हैप्पी बर्थडे टू श्रुति को गिफ्ट नहीं दिख रहा, ये बर्थडे का गिफ्ट हमारी तरफ से, और ये हमारे तरफ से 5 रुपए का केक जो इसके लिए लेके आए श्रुति। मेरा फेवरेट केक है मेरे। 1 2 3 गो। यहाँ पे हो चुकी है हमारी सारी की सारी जो भी सेलिब्रेशन करना था वो, मैं तो थक गई। कितनी पार्टी दे रही है? नहीं नहीं, आज तो पार्टी होएगी, आज तो पार्टी होएगी, छुट्टी दीदी देगी, छुट्टी दीदी पार्टी देगी। वो बन चुके हैं एब्सोल्यूट बारबेक्यू नेशन में, जहाँ पे ये दीदी जो है ये पार्टी देने वाली है। एक्चुअली ऐसा होता है कि एक अमाउंट दो और भरपूर जितना भी अनलिमिटेड खाना है खाते जाओ, खाते जाओ। मैं जा रही हूँ, तेरा बर्थडे है ना तू दे। सो आज हम लूटने वाले हैं जेना को, आज कंफ्यूज जा रही हूँ श्रुति और जेना के बीच। मैं करने वाली हूँ इन दोनों को डिसअपॉइंट, और पैसे वेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना सारा खा पाऊंगी। तो हम पहुंच चुके हैं, हमने एंट्री कर ली है। अब यहाँ पे ना सबसे पहले मतलब स्टार्टर दिया जाता है, यहाँ पे एक ग्रिल लगेगी जिससे मतलब ग्रिल्ड वाले खाने मिलेंगे, और स्टार्टिंग में हमें मिला है गोलगप्पे। पहले मिला है अपने को ये पोटैटो, क्रिस्पी पोटैटो, उसके बाद में है ये हमारा क्रिस्पी कॉर्न, एंड ये है चाट जो कि बहुत टेस्टी। ये है जिसमें सारी चीज ग्रिल्ड होएगी, एकदम गरम गरम ये लगता है, ऐसे खोल रहता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे स्टिक्स में सब खाना रहेगा। यहाँ पे अपने को मिलता है पनीर टिक्का मिलेगा, मशरूम टिक्का मिलेगा, एंड देन पाइन एप्पल है अपने पास, वाटरमेलन है, मशरूम है। श्रुति इज दी बेस्ट। थक गई स्टार्टर खा खा के। ओ भाई मेरा 2 दिन का वर्कआउट पानी में चला गया। गाइस यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें मिलती है जिसके बारे में मैं सोची ही नहीं थी। मैं तो रैबिट खाऊंगी, छी 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 छी, ऑक्टोपस खाऊंगी। मैं थक गई खा खा के। लोग देख सकते हैं यहाँ पे रसमलाई है, चॉकलेट केक है, और ये भी कुछ एक है, और यहाँ पे फ्रूट्स है, यहाँ पे गरम गरम जलेबियाँ भैया बना के आपको देंगे। यहाँ पे क्या मिलता है भैया? आइसक्रीम, चिल्ली फ्लेवर, चिल्ली की भी आइसक्रीम होती है, चिल्ली फ्लेवर आइसक्रीम एक दो तो भैया, ये चिल्ली है। और ये रही हमारे पास चिल्ली आइसक्रीम जो हम एब्सोल्यूट बारबेक्यू में खाने वाले हैं, जो है वो खाने वाले हैं। सो प्लीज इधर रिएक्शन दिखा। ओ मिर्ची है। ऑल डन, शी इज डेड।
रेड सॉस पास्ता गया कहाँ? पता चला इसके पेट में जा चुका ऑलरेडी रेड सॉस पास्ता। और हमारी बर्थडे गर्ल को खाना है आइसक्रीम। एंड यहाँ पे ना अब धीरे धीरे बहुत सारी भीड़ होने लगी, हमें लगा कि भीड़ होती ही नहीं है यहाँ पे। हम जल्दी आ गए थे, अब फैमिली वगैरह जो है बुकिंग कर रखे थे तो बैठ के आराम से पीछे खा रहे हैं एंड भीड़ भी हो गई है। तो इसको क्या खाना था? आइसक्रीम। ये ना इंसान तबीयत खराब है फिर भी बैठ के आइसक्रीम। खराब नहीं है, ठंडा नहीं है। 10 दिन पहले ठंडा होएगा, 10 दिन बाद पेट खराब होएगा, फिर 10 दिन बाद ठंडा होएगा, ऐसे इसका साइकिल चलता है। कंटेंट मिस हो गया या अभी छीक रही थी मैम स्पून। इन्होंने रिकमेंड किया कि वेज बिरयानी जो बहुत टेस्टी है, सो लेट मी ट्राई दैट कि वो टेस्टी है कि नहीं है। यहाँ पीछे में जितना भी आइटम्स है वो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया, मतलब सिर्फ नूडल्स खाया, वो भी ठीक ठीक था। सो अभी खाते हैं फ्लेवर्ड राइस। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। एंड हम पी रहे हैं मसाला कोल्ड ड्रिंक्स। ये खा के बेहोश, मैं खा के बेहोश। वो टाइम आ गया एट द एंड बारबेक्यू में ऐसा होता है। तो एट द एंड क्या होता है, जिसका बर्थडे होता है या फिर जिसका फेक बर्थडे होता है वो भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। हमारा तो फिर भी रियल है। टोपी लेते हैं ऐसा टोपी, बर्थडे एनिवर्सरी या फिर कुछ भी होगा तुम्हारा स्पेशल ओकेजन, सो यू कैन डू दैट। हमने बोला नहीं ना श्रुति का बर्थडे करके। श्रुति का हैप्पी बर्थडे केक। हाउ वाज योर डे डांस? वेरी ब्यूटीफुल। बर्थडे जो है वो कम्प्लीट हो चुका है, अब अपने को जल्दी से निकलना है बिकॉज हम लोग पटिया में आए हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ये सब बिल्कुल भी नहीं है, सो इसलिए अपने को 45 मिनट्स लगेगा पहुँचने को, जल्दी से निकलना है अपने को। सो श्रुति हाउ वाज योर बर्थडे? इट वाज द बेस्ट 22 बर्थडे। मैं नहीं आई। सो श्रुति को तो बहुत अच्छा लगा इसका बर्थडे। मेरा बर्थडे खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, अभी भी और 3-4 घंटे पड़े हैं। रात को जाके डांस करेंगे, ठीक है? ओके ओके। सो यार चलो सीधा मिलते हैं रूम में। मेरे बाल। So how did you enjoy 22nd birthday? Yes, I enjoyed it beautifully. I love you. रुक दुख रहे। So guys, vlog को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब। और ऐसी कंटेंट देखने के लिए मुझे लाइक करो और मुझे सोने दो। और सो तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। टाटा, बाय गाइस, टाटा।